राम राम जी, आप सबको आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये दो रंग का डिजाइन बना के दिखा रही हूँ। आप इसको छोटे बच्चे के कार्डिगन में डाल लो, लेडीज़ कार्डिगन में, लड़कियों के टॉप में, जैकेट में, कहीं भी डाल लो, सारी जगह अच्छा लगेगा। ये जो पहली सिलाई से शुरू किया था, पहले से ही बना के दिखा रही हूँ आपको। उल्टी सिलाई में ये डिजाइन शुरू करेंगे हम। पहले हम बॉर्डर बना के एक सिलाई उल्टी उतार लेंगे। उल्टी सिलाई में कर रहे हैं ये डिजाइन शुरू। पहली सिलाई है ये, उल्टी सिलाई है। सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इसको कैप में डाल लो तो कैप में भी अच्छा लगेगा। ये जैसे मैं दो रंग की बना रही हूँ, आप इसको तीन रंग की बनाना चाहो तीन की बना लो, चार रंग की बनाना चाहो चार रंग की बना लो। अब आ गई दूसरी सिलाई, सीधी सिलाई। अब दूसरी सिलाई भी हम ऐसे उल्टी बना लेंगे। अब आ गई तीसरी सिलाई। अब तीसरी सिलाई हम संतरी धागे से बनाएंगे। दो सिलाई हमने ये जामुनी रंग के धागे से बना दी, अब दो सिलाई हम संतरी धागे से बनाएंगे। उल्टी सिलाई में डिजाइन ये धागा लगाएंगे हम। एक फंदा उल्टा बना लेंगे, ये सिलाई के लिए हमारा फंदा। दोनों कोने पे एक एक फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर एक फंदा स्लिप कर लेंगे। तीन फंदे, एक दो तीन। अब ये चार फंदे का डिजाइन है, यही चार फंदे बार बार बनाएंगे पूरी सिलाई में। एक फंदा स्लिप कर लेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बना लेंगे। उल्टी सिलाई है ये, तीसरी सिलाई है। फिर एक फंदा स्लिप कर लेंगे, एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, एक स्लिप कर लेंगे। एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप कर लेंगे। एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर कोने वाले फंदे को उल्टा बना देंगे। कोने पे दोनों फंदे सीधी सिलाई में भी उल्टे बना रहे हैं और उल्टी सिलाई में भी उल्टे बना रहे हैं। आप अगर स्लिप करना चाहो स्लिप कर लो। अब आ गई चौथी सिलाई। उधर धागा करके सीधी सिलाई है, चौथी सिलाई है, ये फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर अपनी तरफ धागा करके ये तीन फंदे हैं, अब चौथी में भी ये तीनों उल्टे बना लेंगे। अब यही चार फंदे आगे बनाएंगे, एक स्लिप कर लेंगे, फिर अपनी तरफ धागा करके तीन फंदे उल्टे बना देंगे। फिर पीछे धागा करके एक फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे बना लेंगे। फिर एक फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे बना लेंगे। फिर पीछे धागा करके एक स्लिप कर लेंगे, अपनी तरफ धागा करके तीन फंदे उल्टे बना लेंगे। अब ये चौथी सिलाई है, सीधी सिलाई है। फिर एक फंदा स्लिप कर लेंगे, कोने वाले को भी उल्टा बना लेंगे। अब आ गई तीसरी पांचवी सिलाई। चार सिलाई उतार दी, अब पांचवी सिलाई। अब ये दूसरा धागा चलाएंगे। अब किस तरह बनाएंगे हम, जो ये तीन फंदे हमने संतरी बना रखे हैं इनमें बीच वाले को इस धागे से बनाएंगे। दोनों तरफ के फंदे स्लिप कर देंगे। अब ये फंदा जामुनी बना दिया, ये स्लिप कर दिया, ये भी जामुनी बनाएंगे। जो जामुनी रंग के हैं इनको भी जामुनी रंग से ही बनाएंगे। अब ये फंदा कोने वाला स्लिप कर लेंगे, फिर ये जामुनी है जो उसको जामुनी बना लेंगे। एक स्लिप कर लेंगे, एक बना देंगे, एक स्लिप कर लेंगे। अब जो ये तीन फंदे हैं, जैसे ये संतरी हैं, इनमें से बीच वाले को जामुनी बना लेंगे। दोनों फंदे एक ये स्लिप कर रहे हैं। अब इस तरह आएंगे फंदे हमारे
एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया, फिर एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया, एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया, एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया, एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया। अगर हमने ये डिजाइन कोने से इस तरह सेट कर लिया, आगे हमने गिनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना देखने की ज़रूरत पड़ेगी, अपना आप ही डिजाइन की सेटिंग बनेगी। कोने से सेट कर लो, कौन सा बनाना है, कौन सा हमने स्लिप करना है। एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया, फिर एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया, एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया, फिर एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया, एक बना लिया, कोने वाला स्लिप कर लिया। कोने वाले को तो वैसे बना लेते, इसी धागे से बना लेते, दो इस तरफ है बना ले, दो इस तरफ बना ले, चलो अब स्लिप कर दिया, अगर बनाना चाहो बना लियो। अब आ गई छठी सिलाई, जो फंदे हमने स्लिप कर रखे उनको स्लिप कर लेंगे, जो हमने बना रखे हैं उनको हम बना लेंगे अपनी तरफ धागा करके, फिर पीछे धागा करके एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर अपनी तरफ धागा करके एक फंदा बना लिया, फिर पीछे धागा करके ये फंदा स्लिप कर लिया। अब पाँचवीं सिलाई में भी हमने जो बनाया था उसी को बना रहे हैं, अब छठी में जो स्लिप किया था उसी को स्लिप कर रहे हैं। अब ये छठी सिलाई है, सीधी सिलाई है, एक बना लिया, फिर पीछे धागा करके एक स्लिप कर लिया, फिर एक बना लिया, फिर पीछे धागा करके एक स्लिप कर लिया, फिर अपनी तरफ धागा करके एक फंदा उल्टा बना लिया, फिर पीछे धागा करके एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर वापस अपनी तरफ धागा करके एक फंदा उल्टा बना लिया। अब ये पूरी सिलाई इस तरह उतार देंगे हम, छठी सिलाई अब फिर आगे सातवीं सिलाई। अब सातवीं सिलाई में फिर हम इसी तरह फिर बनाएंगे, जो तीन फंदे हमने बनाए थे पहले, ये तीन फंदे थे, एक ये, एक ये, एक ये, ये बीच वाला है, ये भी अब संतरी बना देंगे। अब ये सातवीं सिलाई है, उल्टी सिलाई है, ये फंदा स्लिप कर लिया। अब ये तीन फंदे बनाए थे हमने, अब फिर इन्हीं को बना देंगे, एक दो तीन, अब यही चार फंदे आगे बनाएंगे, एक ये स्लिप करेंगे, एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर तीन फंदे, एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप कर लिया, एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप कर लिया, एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप कर लिया, कोने वाले को भी संतरी बना दिया। अब आ गई आठवीं सिलाई, सीधी सिलाई। अब आठवीं सिलाई में हमने जो फंदे बना रखे उनको बना लेंगे, जो स्लिप करे थे उनको स्लिप कर देंगे। अब एक दो तीन, अब एक फंदा स्लिप कर लिया, तीन फंदे बना लिए, फिर पीछे धागा करके एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर अपनी तरफ धागा करके एक दो तीन, फिर पीछे धागा करके एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर तीन फंदे बना लिए। अब ये आठवीं सिलाई को, पूरी सिलाई को इस तरह उतार लेंगे, सीधी सिलाई है ये, आठवीं सिलाई है, फिर एक स्लिप कर लिया, फिर एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप कर लिया और कोने वाला उल्टा बना दिया। अब ये आठ सिलाई होगी। अब आ गई नौवीं सिलाई। अब नौवीं सिलाई को हम इस धागे से बनाएंगे। अब सारे फंदे इस धागे से बना देंगे नौवीं सिलाई में, एक, अब गिनने की ज़रूरत नहीं, अब तो सारे फंदे जामुनी रंग के धागे से बना देंगे। अब ये पूरी सिलाई इस तरह उतरेगी। अब आ गई दसवीं सिलाई, नौवीं उल्टी उतार दी। अब दसवीं सिलाई, ये सिलाई भी हम सारे फंदे ऐसे उल्टे बना देंगे। अब ये दसवीं सिलाई है। अब आ गई ग्यारहवीं सिलाई। अब ग्यारहवीं सिलाई में हम बनाएंगे डिजाइन इसी तरह, बस जगह बदल देंगे थोड़ी ही। देखो ये वाला डिजाइन यहाँ बीच में बना दिया, अब यहाँ बीच में बनेगा। अब तीन फंदे हम एक ये बीच वाला ले लेंगे, एक इधर से मिला लेंगे, एक इधर से। अब यहाँ कोने पे देखो, ये दो फंदे छोड़ के ये तीन फंदे थे, दो फंदे छोड़ के इन तीन का
बनाया था डिजाइन। अब इनमें बीच वाले को तो हम स्लिप कर लेंगे। अब आगे ये तीन फंदे संतरे के बना देंगे। अब ये 10 सिलाई होगी। अब आ गई 11वीं सिलाई, तीन फंदे संतरी, फिर एक फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदे संतरी, एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप कर देंगे, फिर तीन फंदे संतरी, एक फंदा स्लिप कर लेंगे, तीन फंदे संतरी, एक फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर एक दो तीन, एक स्लिप कर लेंगे, एक दो तीन, फिर एक स्लिप कर लेंगे, फिर कोने पे फिर तीन फंदे संतरी। अब आ गई 12वीं सिलाई। बनेगा डिजाइन इसी तरह, बस जगह बदल दी थोड़ी ही। तीन फंदे संतरी, एक फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर अपनी तरफ धागा करके तीन फंदे संतरी, एक फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे। अब ये 12वीं सिलाई को पूरी को इस तरह उतार लेंगे। सीधी सिलाई है ये, 12वीं सिलाई है। फिर एक स्लिप कर लेंगे, फिर एक दो तीन, फिर एक स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे बना लिए, पीछे धागा करके एक स्लिप कर लिया, फिर वापस अपनी तरफ धागा कर लिया। अब हम जामुनी धागे से बनाएंगे। जो ये तीन फंदे हैं इनके बीच वाले को जामुनी बनाएंगे, ये स्लिप कर लेंगे, ये भी स्लिप कर लेंगे, ये जामुनी बना देंगे। जो जामुनी है उनको भी जामुनी बनाएंगे और जो बीच वाला फंदा उसको जामुनी बनाएंगे। अब ये 12वीं सिलाई थी, अब आ गई 13वीं सिलाई। कोने वाला अगर बनाना चाहो बना लो, स्लिप करना चाहो स्लिप कर लो। एक ये ऐसे बना दिया। अब यही दो फंदे पूरी सिलाई में बनाएंगे, ये स्लिप कर लिया। अब जो जामुनी ये भी जामुनी बना लिया, ये स्लिप कर लिया, ये बीच वाला जामुनी बना लिया, एक स्लिप कर लिया, एक जामुनी बना लिया, एक स्लिप कर लिया, एक जामुनी बना लिया। अगर हमने यहाँ से सेट कर लिया डिजाइन तो पूरी सिलाई को इस तरह बना लेंगे, एक स्लिप कर लिया, एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया, एक बना लिया। अब ये 13वीं सिलाई है, उल्टी सिलाई है, पूरी सिलाई को उतार लेंगे। अब आ गई 14वीं सिलाई। अब 14वीं सिलाई में हमें जो फंदे स्लिप कर रखे हैं उनको स्लिप कर लेंगे, जो बना रखे हैं उनको उल्टा बना लेंगे, फिर वापस धागा करके स्लिप कर लेंगे, फिर एक उल्टा बना लेंगे, पीछे धागा करके एक स्लिप कर लेंगे, एक उल्टा बना लेंगे, पीछे धागा करके एक स्लिप कर लेंगे, एक उल्टा बना लेंगे। अब ये 14वीं सिलाई को भी पूरी को इस तरह उतार देंगे। जो फंदे बना रखे उनको बना लेंगे। अब ये 14 सिलाई उतार दी। अब आगे 15वीं सिलाई। अब संतरी धागे से फिर बनाएंगे। ये फंदा हमने जामुनी बनाया था, अब इन तीनों को संतरी बना देंगे। आगे वाले को जो पहले बनाए थे हमने इसी तरह फिर बना देंगे हम। तीन फंदे संतरी, एक स्लिप कर लेंगे। अब यही चार फंदे बार बार बनाएंगे, एक दो तीन, फिर एक स्लिप कर लेंगे, एक दो और एक तीन, फिर एक स्लिप कर लेंगे, एक दो तीन, एक स्लिप कर लेंगे, एक दो तीन, फिर एक स्लिप कर लेंगे, फिर एक दो तीन, एक स्लिप कर लेंगे, एक दो तीन। अब आ गई 16वीं सिलाई। अब 16वीं सिलाई को भी इसी तरह उतार देंगे। तीन फंदे संतरी, एक फंदा स्लिप कर लेंगे, पीछे धागा करके एक स्लिप कर लेंगे, फिर वापस तीन फंदे संतरी, एक फंदा स्लिप कर लेंगे। अब ये 16वीं सिलाई पूरी सिलाई इस तरह उतार लेंगे। अब ये 16 सिलाई होगी और 16 सिलाई का एक डिजाइन हो गया हमारा। अब आगे फिर हम अगला डिजाइन फिर पहली सिलाई से फिर शुरू करेंगे। यही 16 सिलाई बार बार बनाएंगे तो ऐसा डिजाइन बनेगा। पहली सिलाई से फिर शुरू करेंगे।